नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। इंडिया और बांग्लादेश के बीच चल रहे एशिया कप के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम की हालत बेहद ही खराब नजर आ रही है। लगातार विकेट गिरने से बांग्लादेश की टीम ज्यादा रन भी नहीं बना पाई, लेकिन इस खेल के बीच में हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने एम्पायर के फैसले पर सवाल उठाए, जिसको लेकर खेल के बीच में ही ये ड्रामा शुरू हो गया। काफी देर तक खेल रुका रहा और एम्पायर और रोहित शर्मा के बीच में बहस भी हुई। आपको बता दें कि इस मैच से जडेजा ने वापसी की और जडेजा ने दूसरी ही गेंद नो बॉल फेंक दी। इसके बाद एम्पायर ने फ्री हिट का इशारा कर दिया। अगली ही गेंद पर एम्पायर ने डेड बॉल करार दे दिया। दरअसल एम्पायर ने डेड बॉल देते हुए बताया कि पावर प्ले के दौरान फील्डर 30 यार्ड के बाहर दो खिलाड़ी से ज्यादा थे। एम्पायर के इस फैसले पर रोहित शर्मा खफा नजर आए और इसी को लेकर दोनों के बीच में बहस भी हुई।